नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी दिवस की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मन में है उमंग तो हिंदी में बोलिए, मन में है उमंग तो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए। हिंदी दिवस पर एक नेता ने ये कहा, हिंदी है मदर टंग हिंदी में बोलिए, हिंदी है मदर टंग हिंदी में बोलिए। क्या कहा, बहुत तेज है अंग्रेजी, क्या कहा, बहुत तेज है अंग्रेजी, बड़ी सनसनी खेज है अंग्रेजी, लेकिन रिश्तों को समझाना हो ना तो बहुत नीरस और निस्तेज है अंग्रेजी, लेकिन रिश्तों को समझाना हो ना तो बहुत नीरस और निस्तेज है अंग्रेजी। पंक्तियां तो देखें महोदय, अरे कहा है अंग्रेजी के पास वो हिंदी वाली मिठास, अरे कहा है अंग्रेजी के पास वो हिंदी वाली मिठास, वो तो बस सपाट चलती है, कंधे उचकाओ ना तो बाहर निकलती है, कंधे उचकाओ ना तब तो बाहर निकलती है। ओ ऐसी पंक्तियां तो देखिए, चाची चाचा ताई ताऊ बुआ फूफा मौसी मौसा मामी मामा दादी दादा नानी नाना, जरा आप ही बताना कितने प्यारे हैं संबोधन जो छूते हैं मन, कितने प्यारे हैं संबोधन जो छूते हैं मन, जो घर घर में सुगंध बोते हैं, जो घर घर में सुगंध बोते हैं। क्षमा करना क्षमा करना, अंग्रेजी में ये सब अंकल और आंटी होते हैं, क्षमा करना अंग्रेजी में ये सब अंकल और आंटी होते हैं। पड़ोसी के माँ को सम्मान दे ये जरूरी है, पड़ोसी के माँ को सम्मान दे ये जरूरी है, लेकिन अपनी माँ को भूल जाए ये कैसी मजबूरी है, लेकिन अपनी माँ को भूल जाए ये कैसी मजबूरी है। माना माना कि अंग्रेजी बोलकर दो सीढ़ियां ज्यादा चढ़ जाओगे, माना अंग्रेजी बोलकर दो सीढ़ियां ज्यादा चढ़ जाओगे, लेकिन प्रशंसा करनी हो ना किसी की तो गुड बेटर बेस्ट से आगे न बढ़ पाओगे, लेकिन प्रशंसा करनी हो ना किसी की तो गुड बेटर बेस्ट से आगे न बढ़ पाओगे। माना अंग्रेजी भाषा तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी, माना अंग्रेजी भाषा तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। क्षमा करना महोदय, याद रखना ये कार दिला सकती है संस्कार ना दिला पाएगी, याद रखना ये कार दिला सकती है संस्कार ना दिला पाएगी। अरे हमें हमारी भाषा का अनुमान नहीं है, अरे हमें हमारी भाषा का अनुमान नहीं है। क्षमा करना अंग्रेजी लैंग्वेज है ज्ञान नहीं है, क्षमा करना अंग्रेजी लैंग्वेज है ज्ञान नहीं है। अरे सर्ग उपसर्ग प्रत्यय अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अनुस्वार अमीठा लक्षणा व्यंजना की शक्ति लेकर अपार खुशबू के कितने द्वार खोलती है। भाई साहब हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है, भाई साहब हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। आज भी ज्योति कलश छलकी जैसा गाना जब सुनाई दे जाता है तो सारा वातावरण उल्लासित हो जाता है, मस्ती में झूम जाता है। ऐसे चार पांच गाने सुन लेना वो पॉप सॉन्ग वाले तो उनको साफ सुन जाता है, ऐसे चार पांच गाने सुन लेना वो पॉप सॉन्ग वाले तो उनको साफ सुन जाता है। वो तो मेकाले के मक्कारे है, वो 26 अक्षर 52 अक्षरों पर भारी है, वरना आप ही बताइए हमारे बारह खड़ी कब किससे हारी है, वरना आप ही बताइए हमारे बारह खड़ी कब किससे हारी है। इसलिए तो हमारी अपनी बारह खड़ी प्रत्येक अक्षर का अर्थ कहती है, इसलिए तो हमारी हिंदी तरल सरल कलकर अभिधत बहती है, इसलिए तो हमारी हिंदी तरल सरल कलकल अविरत बहती है। तभी तो सात समुंदर पार ओम का उच्चारण कर रहा है संसार, तो आए अपनी ज्योति यहां फैलाए, हिंदी में बात करे हिंदी अपनाए, हिंदी में बात करे हिंदी अपनाए। धन्यवाद।